देखो भाई, साधना जो है वो साधक बनने से होती है। जॉब कर रहे हो तो इंजीनियर हो गए, आईटी इंजीनियर हो गए, तो आईटी इंजीनियर प्रोफेशनल हो गया, तो हमने काम शुरू कर दिया। तो बाहर जो हम काम करते हैं उसमें एक लेबल लगा देते हैं कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है। हाँ, यहाँ पे हाउसवाइफ को कहते हैं होम मेकर, तो होम मेकर है, मदर है, फादर है, ये सारे लेबल हैं, ये सारे बाहर हैं। तो हर एक लेबल की अपनी एक योग्यता है ना, एक टैलेंट है, कुछ एक ट्रेड्स हैं, कुछ एक एट्रीब्यूट्स हैं। और साधक जो है, अगर हम बनते हैं, वो अंदर है। साधक बनना अंदर से है, बाहर नहीं। बाहर बड़ा सा टीका लगा लिया, हाँ, लंबे या छोटे कपड़े पहन लिए, हाँ, या फिर तगमा लगा लिया, या लेबल लगा लिया आचार्य का, महंत का। तो उससे साधक हम हैं या नहीं, इसकी पहचान हो नहीं सकती। साधक तो अपने मन से बनना है, और जैसे हमारा मन इमीजिएटली कहता है, मैंने 5 साल की डिग्री ली, मैं इंजीनियर हो गया। अच्छा, क्या करते हो भाई? इंजीनियर हो। क्या करते हो जी? डॉक्टर। क्या करते हैं जी? टीचर हैं। और साधना के लिए क्या करते हैं? साधक बन गए। बार बार इस पर मनन करना है, 10-15 मिनट ही खाली, या कभी याद आ जाए क्या मैं साधक हूं। तो जैसे देखो, एक इंजीनियर की अपनी योग्यता होती है, इसी प्रकार एक डॉक्टर की अपने गुण और योग्यता होती। तो जो योग्यता इंजीनियर को चाहिए वो डॉक्टर को नहीं चाहिए। जो योग्यता एक टीचर को चाहिए वो योग्यता एक लोहार को नहीं चाहिए। तो ये मन जब समझ पैदा करता है कि मुझे जीवन में साधक बनना है, तो साधक, जब हम साधक का भाव मन में आ जाता है, तो मन में जो होता है वही तो बाहर आता है। तो अब हम बाहर इंजीनियर, डॉक्टर, माता पिता जो भी हैं, अंदर क्या होता है? अंदर साधक जब वो बाहर आता है, तो पिता का रोल अच्छे तरीके से कर पाता, इंजीनियर का रोल अच्छे तरीके से कर पाता। तो ये अध्यात्म की जो हमारी परंपरा है, वो ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाके वहां बैठ जाओ और मन सुधरा नहीं, हिमालय में बैठ के क्या करेंगे? तो वहां पे फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर परेशान हो गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए, फिर वापस। मैं खुद भागा 50 साल, और समझ आई तो लगा कि जहां हम हैं वहीं से साधना शुरू हो सकती है। कैसे भाई? तुम्हें कोई पूछे तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुमसे कोई पूछे अरे चलो ये इसका क्या इलाज है जी, अरे अभी तो बातचीत हो रही है, ध्यान की साधना हो रही है, उसमें तुम डॉक्टर कहाँ? भाई समस्या है तो मैं डॉक्टर हूं ना। एक तादात्मय हो जाता। तो मन से जो साधक बनने की प्रक्रिया है, बड़ी सिंपल साधारण सी है। मन या तो बाहर संसार की तरफ मुंह किए हुए है, या मन स्व की तरफ अपना मुंह किए। तो मन की गति यदि स्व की तरफ है, अपने तरफ है, तो ये गति धीरे धीरे उन चीजों को त्याग देती है स्वाभाविक रूप से, जो हमें साधक बनने में मदद नहीं करते। और साधक,
साधक का मन, रैदास ने कहा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश नहीं जाना, मन चंगा है तो कठौती में गंगा। तो कठौती का भाव है हृदय के अंदर ही मन, उस हृदय के अंदर ही बार बार देख रहा है। तो साधक होना बहुत ही आवश्यक है साधना करने के लिए। जिसने कभी कंप्यूटर नहीं देखा उसको कंप्यूटर के पास बिठा दो, माउस है उसको कहो, माउस कहते नहीं, चूहे को कहां से ले आए। ये भ्रम पैदा करता है जब तक कि हम साधक नहीं बनते। अच्छा कीबोर्ड, ये कीबोर्ड क्या होता है? म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, और फिर अगर उससे खेलने लगेगा तो कंप्यूटर में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। यही बात साधना की। इतना तो हम करते हैं, बाहर किसी ने कह दिया, अच्छा राम राम जपो, मंत्र का उच्चारण करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, सांस पर ध्यान दो। तो अगर मन मेरा साधक के बनने की तरफ नहीं गया है तो थोड़ी देर में बोर हो जाएगा। क्या होगा इससे? मन अंदर ही तर्क वितर्क करेगा। तो साधक बनने की तरफ हम नहीं गए। तो किसी भी काम को करने से पहले, इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, जानाति इच्छति करोति, पहले जानना, पहले। अब वो जानना, इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, कहां से जाने। अपने को जानना, देखो मन बदल गया, अपने को जानना। तो मेरे पास लोग आते हैं, इनका समस्या क्या? तो समस्या को देखकर अपनी परंपरा के उन सिद्धांतों को टीचर खोलता है, टीचर कहो गुरु कहो कुछ भी, तो उसको खोलता है उन सिद्धांतों को, उन समस्याओं के साथ समझ पैदा करता है। जानाती, तो जैसी जैसे समझ होगी तो फिर टीचर और गुरु के सामने वो कहता, नहीं नहीं ये समस्या है मेरी, तो अब मैं समझ गया, अब क्या करना है। तो इच्छा उत्पन्न हुई ना कि हाँ, ज्ञान से इतनी समझ आई कि समस्या का समाधान हो सकता है। तो फिर टीचर पर्सनलाइज करता है उस प्रैक्टिस को। साधना की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को देता है। समूह में भी होती है वो शुरुआत की प्रक्रिया। साधना में तो यही कहा है, एक ला चलो रे। पतंजलि कहते हैं कि अकेला चलो तो क्या होगा? कैवल्य की प्राप्ति, केवली ज्ञान, केवल। बड़ी ऊंची बात पतंजलि ने कही। तो मन से साधक होना है। जैसे ही कोई बाहर तगमा थोड़ा लगा हुआ है किसी को कि भाई मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है ना, उसी प्रकार से कहना नहीं है, अपने मन की दिशा बदलनी है। दिशा बाहर की ओर है, अंदर की ओर हो जाएगी। तो जब दिशा अंदर, बाहर से अंदर की ओर हो जाती है, वो प्रक्रिया समझनी, उसका ज्ञान लेना है कि वो मन कैसे अंदर जाने लगे। अंदर जाने के बाद अंदर ठहरे, अंदर ठहरने के बाद ये समझे कि साधक होना क्या होता है। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि साधक होना क्या होता है, तो क्या होगा? मन 24 घंटे वहीं पर जाएगा, 24 घंटे वहीं पर जाएगा।
तो शुरू शुरू में हम लड़खड़ाते हैं ना, जैसे अभी इंजीनियरिंग की किसी ने और फिर सीधा उसको बिठा दिया ये जॉब है, कुछ दिन उसको सीखने में लगे, अभ्यस्त होने में लगेंगे, और जब धीरे धीरे जब वो 100% साधक बन जाता है, 100% साधक का मतलब ये है कि बाह्य शारीरिक मानसिक भावनात्मक द्वंद जो हमें दुखी करते हैं उससे तो पार चला, साधक बनने से ही पार चला। कितनी खुशी होती है कि अच्छा डिग्री मिली, तो मन को ये डिग्री देनी होगी, जिससे कि मन बार बार कहेगा मैं पिता से बात कर रहा हूं, साधक साधक बेटा बन के बाहर आ रहा है, साधक इंजीनियर बन के बाहर आ रहा है। तो क्या होगा इसकी चर्चा हम और गहराई से करेंगे। साधक बनकर वो बाहर आ रहा है, प्रोफेशनल काम कर रहा है, साधक बनकर वो प्रोफेशनल काम कर रहा है। क्या मतलब? साधक का मन हमेशा निर्मल रहता है। समस्या आई, धन्यवाद, चाहे पर्सनल लाइफ में आई चाहे प्रोफेशनल लाइफ में। साधक बनकर पत्नी से बात कर रहा है, देखो तो जो मन ने पत्नी या पति के प्रति जो इमेज बनाई हुई है, मन ने, जिसके कारण उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, वो नहीं, तो साधक बनने से ही साधना शुरू होती है। जब तक हम साधक नहीं बनेंगे, साधना की शुरुआत, आप फिर ऊपर ऊपर से कई सालों लग जाते हैं। किसी ने कह दिया ऊपर ऊपर से अच्छा राम का ओम शांति जाप करो, अब लाख पर कर लो, मन बाहर ही है, ओम शांति तो हम कर रहे हैं, अभ्यास तो कर रहे हैं, पर मन बाहर है, मन साधक नहीं हुआ, तो करते रहो ओम शांति शांति सालों साल। कई लोग उसी चक्कर में बैठ जाते हैं, आसन करते हैं। यहाँ पे अभी मैं 2-3 लोगों से मिला, हाँ खुश हुआ, खुश हुए मिलने से, और फिर बाद में पता लगा कि 3 महिलाएं जो कि पूरे इस एरिया में फेमस हैं योगा टीचर। क्यों फेमस हैं? पिछले 10-12-15 सालों से वो आसन किए जा, और सबसे बड़ी बात ये कि 3 सर्जरी हो गई है स्पाइन की आसन करते करते। देखो जान आती, हमारी परंपरा गलत नहीं है, हम उसको सीखने की योग्यता नहीं रखते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, बड़ी हलचल है, दौड़ भाग रहती, मैं दिखाऊं। तो देखो साधक क्या करता है, साधक को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से साधक है, मस्त है, पिता आए साधक बेटा बन के सामने आ गया। साधक के क्या लक्षण है? अंदर से शांत, कुछ भी हो, चाहे पसंद नापसंद कुछ भी हो, बाहर संसार के किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना। क्यों? साधना में हिम्मत, ये भी सबसे बड़ी साधना है। राम नाम जपने की जगह, ओम शांति जपने की जगह 50 ऐसे आसन करने से जिससे कि स्पाइन की सर्जरी करने पड़े, उससे बढ़िया ये भाग है कि साधक, मन साधक हुआ, अब पति का रोल निभा रहा है, मन साधक हुआ, पत्नी का रोल निभा रहा है, साधक अंदर से मन साधक हुआ, इंजीनियर का रोल, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक, सोशल लाइफ भी ठीक, फैमिली लाइफ भी ठीक। मेन मुख्य बात क्या है? मन की दिशा कहाँ है, मन कहाँ बह रहा है, नदी की तरह बाहर संसार में समस्या ही समस्या, अंदर हृदय के अंदर या अंदर, बस अंदर देख रहा है। अंदर की बात हम बड़ी गहराई से करेंगे, अंदर का यहां मतलब कुछ अलग है, शरीर के अंदर नहीं,
शरीर के अंदर तो वैज्ञानिक लोग देख ही रहे हैं, डॉक्टर्स को पता ही है क्या। तो वो अंदर की परिभाषा मन के पार जाने की बात। तो जैसे ही मन की दिशा को बदल देते हैं तो बाहर संसार बाहर ही रह जाता है। साधक बनना होगा, बिना साधक बने साधना असंभव है। उदाहरण देख लो, देखो मन बाहर भाग रहा है पसंद नापसंद पर, और मैं राम राम जप रहा हूं, तो देखो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं। शौम शांति कर लो, किसी मंत्र का उच्चारण, आसन। इसीलिए पतंजलि ने भी ये कहा, स्थिर सुखम आसनम। और आसन करने के तरीके को क्या कहा उसमें? दो बातें कही, प्रयत्न की शैथिल्यता, और दूसरी बात कही कि मन अंदर आकाश को देखता रहे जब तक हम आसन करेंगे। देखो मन की दिशा को बदलने के लिए भी आसन, मन की दिशा को बदलने के लिए प्राणायाम, मन की शुद्ध करने के लिए मंत्र का उच्चारण। तो चलिए आज एक हम रूप ध्यान की फिर साधना करते हैं, मन को